दरअसल मोबाइल क्लिनिक है वो, जिसको उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। अभी माइंड रूट फाउंडेशन संस्था की तरफ से इसे तैयार किया गया है, मोबाइल क्लिनिक है, अलग अलग क्षेत्रों में जाएगा चिकित्सकीय सुविधाओं को लेकर। अब महिलाओं की तरफ से कुछ बनाए गए मॉडल्स भी देख रहे हैं। तो हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए भी मॉडल्स यहां पर प्रदर्शनी में रखे गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आप देखिए अवलोकन करते हुए इसी प्रदर्शनी का। हथकरघा जो मशीन है तो हैंडलूम मशीन का भी अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, किस तरीके से इस पर अब देखिए जो कारीगर है उनका नाम बाबूलाल है, जैसा सीएम ने पूछा क्या नाम है तो उस पर बाबूलाल जो कारीगर इसमें मशीन पर यहां पर उत्पाद बनाते हुए नजर आ रहे हैं, मोटे धागे हैं ये बताया गया, जूट का इस्तेमाल करते हुए। और निश्चित रूप से सरकार पॉलिथीन के इस्तेमाल पर बैन के साथ में जूट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, खादी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, इस पर जोर देती हमेशा से रही है। तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माइंड रूट फाउंडेशन संस्था की तरफ से तैयार की गई जो बस थी, मोबाइल क्लिनिक बस का आगाज किया है हरी झंडी दिखाकर। और उसके बाद की ये तस्वीरें जयपुर से आप सीधे देख पा रहे हैं, बापू नगर में जहां पर ये सारा कार्यक्रम रखा गया है। और प्रदर्शनी में अलग अलग तरीके की मशीनें रखी गई हैं, उसका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो मोबाइल क्लिनिक से कितना फायदा होगा ये निश्चित रूप से समझा जा सकता है। आप देखिए जो हाथ से बनाए गए उत्पाद हैं और खादी जिसका सबसे ज्यादा इस वक्त जिक्र भी किया जा रहा है, और खासकर चूंकि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष को मनाता हुआ ये देश नजर आ रहा है, और इसके लिए सूबे की सरकार की तरफ से कई कार्यक्रम अलग अलग समय पर रखे गए, और कैसे इस वर्ष को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से ऐतिहासिक बना दिया जाए इसकी जो कोशिशें रही हैं उसमें हमने देखा कि कैसे खादी ग्रामोद्योग को लेकर म्यूजियम एक जो बनाया गया था उसका भी कुछ दिनों पहले लोकार्पण किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और खादी से बने हुए जो उत्पाद थे उसका भी अवलोकन किया था। और आज भी कुछ ऐसी ही मशीनें देखते हुए नजर आए जो प्रदर्शनी लगाई गई थी महात्मा गांधी मूर्ति का अनावरण करने के बाद। अंबर भवन है दरअसल यहां पर, आप देखिए जो कारीगर हैं जो यहां पर उस वक्त की तस्वीरें कुछ समय पहले की जब कारीगर मौजूद थे उनसे बातचीत भी मुख्यमंत्री ने की कि क्या कुछ उनके उत्पाद हैं, किस तरीके से उन्होंने तैयार किया, लागत को लेकर उनके इस स्वरोजगार को लेकर भी चर्चा की, क्योंकि कई बार ये बातें निकलकर सामने आई है कि हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका काम से दरअसल मोह इसीलिए भंग हो रहा है क्योंकि उसकी सही बिक्री नहीं कर पाते हैं, सही प्लेटफॉर्म उनको नहीं उपलब्ध हो पाता है, और इसी वजह से कई बार ऐसे मामले सामने आए कि हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका अपने काम से मोह भंग होता रहा है, जो हैंडीक्राफ्ट के उसमें जुटे रहते हैं या हैंडलूम इंडस्ट्री में भी हाथों से जो उत्पाद तैयार करते हैं मशीनों के अलावा, उनसे भी मुख्यमंत्री वार्ता करते हुए अपने इस कार्यक्रम में नजर आए। और साथ ही साथ
चूंकि विशेष कार्यक्रम रखा गया बापूनगर के अंबर भवन में, गांधी मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया, गांधी प्रतिमा का। इसके अलावा मोबाइल क्लिनिक जो बस तैयार की गई है, जो अलग अलग क्षेत्रों में घूमेगी जाएगी, और निश्चित रूप से जिन जिन क्षेत्रों में तो आप देखिए सीधी तस्वीरें फिलहाल देख पा रहे हैं हम इसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई। पहले उस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वहां से बाहर निकले हैं खादी बाग श्री रामदास जी शर्मा साहब हैं जो कि अध्यक्ष चौमू की तस्वीरें हैं ये, वो भी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और खादी के लिए बहुत। और जैसा मैंने आपको जानकारी दी कि 150वीं जयंती वर्ष चूंकि देश मना रहा है, तो ऐसे में कई सारे कार्यक्रम इसी के उपलक्ष्य में रखे गए और इसी को आधार बनाते हुए ये भी कार्यक्रम रखा गया। जयपुर से फिलहाल सीधी तस्वीरें बापूनगर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कुछ लोगों को सम्मानित भी किया। सूरजगंज जाट साहब को भी हम आमंत्रित करना चाहेंगे, वो भी कृपया मंच पर पधारें। तो निश्चित रूप से जो खादी ग्रामोद्योग की योजनाएं हैं कई सारी, उसका भी जिक्र ऐसे में करते हैं मुख्यमंत्री जब भी जाते हैं, और जाहिर तौर पर खादी का कैसे प्रचलन और ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाए, हमेशा से ये कोशिशें रहीं और खादी ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत जो भी खादी के प्रचलन से जुड़ी हुई बेहतर से बेहतर बातें हो सकती हैं। आप देखिए अब स्वागत भी किया जा रहा है जो अतिथि वहां पर मौजूद हैं, खादी ग्रामोद्योग आयोग मुंबई। आपसे हम आग्रह करते हैं सूरज जी, शॉल उड़ाकर राम भरोसे जी का भी माला पहनाकर और माला पहनाकर तो अपने अतिथियों का स्वागत उसी खादी के जरिए, जिस खादी को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा से आगे बढ़ते रहे, जिस स्वदेशी को अपनाने की बात वो हमेशा से करते रहे, और जाहिर तौर पर पॉलीथीन प्लास्टिक पर बैन, इसके बाद सबसे ज्यादा प्रचलन में खादी को कैसे लाया जाए, जूट से जुड़े हुए जो किसान हैं उनको भी इससे फायदा होता है जाहिर तौर पर, और इसीलिए वो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे सूबे की, राज्य सरकार की तरफ से गहलोत सरकार हमेशा ये कोशिश करती रही है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे एक बेहतर से बेहतर स्थितियां प्रदेश के भीतर बनाई जाए। खादी को लेकर भी, खादी से जुड़े हुए जितने भी उद्योग लगाए जाते हैं या जो इससे जुड़े हुए कारीगर हैं, उद्योगों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश हमेशा से की जाती रही है, और निश्चित रूप से खादी का प्रचलन हो, ज्यादा से ज्यादा इसको लोग एक्सेप्ट करें, क्योंकि कई बार ये सामने आई है कि इसके विपणन को लेकर, इसके व्यापार को लेकर चूंकि महंगा पड़ जाता है इसलिए खरीदारी इसकी कम हो जाती है, और महंगा इसी वजह से क्योंकि हाथ से बने हुए बहुत सारे उत्पाद इसमें होते हैं, या मशीनों से भी अगर खादी के उत्पादों को तैयार किया जाता है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है खादी की वजह से। तो ज्यादा से ज्यादा इस कॉस्ट इफेक्टिवनेस को कम किया जाए ताकि ये ज्यादा बिक सके जो खादी के उत्पाद हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही हैं तस्वीरें, 150वीं जो जयंती वर्ष मना रहा है देश, उसी के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से कैसे और ज्यादा नवीनीकृत खादी का इस्तेमाल हो, इसकी आधार, इसकी विचारधारा को आधार बनाते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अभी कुछ देर पहले हमने देखा कई तरीके से जो मशीनें लगाई गई, कुछ महिलाएं थी अपने, उन्होंने एक मॉडल पेश करने की कोशिश की, उसका भी अवलोकन किया मुख्यमंत्री ने, और जो मंच सजाया गया है कार्यक्रम से जुड़ा हुआ वहां पर सीधी तस्वीरें फिलहाल हम जयपुर से देख पा रहे हैं। तो कई कार्यक्रम रखे गए हैं, महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण भी कुछ देर पहले किया, और उसके बाद जो कार्यक्रम का अगला हिस्सा है, बच्चे देखिए प्रस्तुतियां दे रहे हैं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी यहां पर स्कूली बच्चों की तरफ से रखी गई है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रिय भजन ये कहा जाता है वैष्णव जन, और इसी की प्रस्तुतियां देती हुई ये स्कूली छात्राएं नजर आ रही हैं। अंबर भवन में कार्यक्रम की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। पहले गांधी प्रतिमा का अनावरण, उसके बाद एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और मंच की तस्वीरें भी आप सीधी देख पा रहे हैं। लगातार जयपुर से सीधी तस्वीरें जी राजस्थान पर, और वैष्णव जन जो भजन है उसकी प्रस्तुतियां देती हुई छात्राएं सुनाई पड़ती। खादी का ज्यादा से ज्यादा प्रचलन हो, ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो, खादी से जुड़े हुए चाहे वो कारीगर हो, चाहे उसको उत्पादित करने वाले जो उत्पादनकर्ता हैं, जो किसान हैं, जूट पैदा करने वाले, अक्सर ये बात सामने आती है कि जूट से जुड़े हुए जो किसान हैं उनको कई बार उनकी फसल का वो दाम नहीं मिल पाता जो उनकी इच्छा रहती है या जो उनके हिसाब से होना चाहिए। इसको लेकर भी कई बार चर्चाएं निकल के सामने आई हैं, सरकारों की तरफ से कोशिशें की गई हैं, लेकिन कई बातें इसमें मायने रखती हैं। और अब देश के भीतर जिस तरीके से खादी के प्रचलन को लेकर कोशिशें होने लगी हैं, चाहे वो सरकारों की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाता रहा हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, खुद गहलोत सरकार जिसने कई योजनाओं पर काम करना शुरू किया है, और राष्ट्रपिता की 150 जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर से लेकर कार्यक्रम अनवरत रूप से दिखाई पड़ रहे हैं, उससे पहले भी कई कार्यक्रम हुए, और ये एक ऐतिहासिक पल निश्चित रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि पूरा देश 150वीं जयंती मना रहा है और जयंती वर्ष के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम रखे जा रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े हुए, उनकी याद में, उनके जीवन काल में जिस जिस तरीके के भी अध्याय रहे, युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, सभी को हमने परिलक्षित होते देखा। उनके तमाम विचारधाराओं को आत्मसात करना, उत्प्रोत करना, उसके लिए भी कई बार हमने देखा अलग अलग मंचों से, खुद मुख्यमंत्री हो या नेतागण या समाज से जुड़े हुए जो लोग, वो कहते रहे हैं कि उनकी प्रासंगिकता आज तो भी है। महात्मा गांधी के साथ में एक और नाम आता है और वो है विनोबा भावे जी। महात्मा गांधी और विनोबा भावे जी ने जो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की बात की थी, खास करके खादी संस्थाओं के लिए विकेंद्रीकरण की बात की थी, उन विकेंद्रीकरण की व्यवस्थाओं को ही एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बहुत बेहतरीन ढंग से कहा था, और उन्होंने खास करके कप्तान और गुनकरों के लिए कहा था, और कहा था कि सुंदर है वे हाथ सृजन करते जो सुख से, धीरज से, सत से, साहस से, हर क्षण, हर पल, हर दिन, हर युग, सुंदर है वे हाथ सृजन करते जो सुख से।
बिल्कुल खादी के विकेंद्रीकरण की बात यहाँ पर देखिए, मंच से जो उद्बोधन हो रहा है, जो उद्घोषणा हो रही है कार्यक्रम से जुड़ी हुई, उसमें स्पष्ट तौर पर खादी को लेकर कुछ बातें कही गई कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ जो एक और नाम निकल कर आता है वो है विनोबा भावे का। दोनों लोगों ने इस बात को लेकर, खादी के विकेंद्रीकरण को लेकर तमाम बातें कही। देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर भी उन्होंने एक उनका छंद कोट किया कि वो क्या कहा करते थे खादी के विकेंद्रीकरण को लेकर। तो निश्चित रूप से खादी का प्रचलन हो, ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक खादी का प्रचलन हो, और ना सिर्फ भारत के भीतर, यहां तक कि खादी जो तमाम पर्यटक आते हैं भारत में, खादी के बने हुए उत्पादों को वो अपने अपने देशों में भी ले जाते हैं। खादी यहां से एक्सपोर्ट की जाए, ज्यादा से ज्यादा विदेशों में खादी की मार्केट बन सके, देश के किसानों को भी इससे फायदा होगा, खादी को भी इससे और ज्यादा बल मिलेगा, इसका प्रचलन बढ़ेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो एक जमाने में जब स्वतंत्रता संग्राम की जब याद आती है तो लगता है कि खादी को लेकर या स्वदेशी को लेकर एक विचारधारा लोगों के बीच में ओतप्रोत करने की कोशिशें की जाती थी, लेकिन अब वो विचारधारा एक उद्योग में भी बदल चुका है। तो खादी का उद्योग बहुत बड़ा है, उसका रेवेन्यू पार्ट जो देश की सरकारों के पास आता है या राज्यों की सरकारों के पास आता है वो भी बहुत बड़ा पार्ट है, किसानों को भी लाभ होता है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचलन कैसे हो ताकि भारतीय किसानों को भी इससे फायदा हो और सरकारों के पास भी, और सबसे बड़ी बात है कि जो एक विचारधारा है स्वदेशी की वो भी लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा बनी रहे, जिंदा रहे, ताजा रहे, इसकी भी कोशिशें होती हैं निश्चित रूप से जब खादी की बात होती है। आदरणीय सचिव श्री हरिमोहन जी मीणा साहब, तमाम अतिथि इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, विशेष तौर पर यहां पर पहुंचे हैं। तीन तस्वीरें फिलहाल हम देख पा रहे हैं, एक तरफ गांधी प्रतिमा का जब उद्घाटन हुआ, अनावरण हुआ माफ कीजिएगा, उस वक्त पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने फोटो पर, और सीएम का स्वागत देखिए, विशेष तौर पर खादी से बनी हुई जो शॉल है वो, और एक मोमेंटो जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक छोटी सी मूर्ति एक जार में उनको दी गई, और तीसरी तस्वीर जो जयपुर से सीधी देख पा रहे हैं, ये निश्चित रूप से वो हिस्सा है खादी से जुड़ा हुआ जो अपने आप में एक आंदोलन को भी दर्शाता है कि खादी को लेकर देश के भीतर किस तरीके की विचारधारा स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अभी तक के बीच में पनपती रही है, और खादी इस देश के लिए क्यों जरूरी है। खादी से जुड़े हुए जितने उद्योग हैं, इतिहास इस बात का साक्ष्य होगा, जो किसान हैं, मुख्यमंत्री जी द्वारा महात्मा गांधी वो कितना ज्यादा अपने आप को मजबूत समझ पाएंगे अगर निश्चित रूप से खादी का प्रचलन देश में बढ़े, ताकि इसकी उपयोगिता को समझते हुए विदेशों में भी यहां से बने हुए उत्पाद जाएं। अलग अलग शब्दावली में खादी को लोग अपने अपने हिसाब से उपयुक्त करते हुए नाम से पुकारते हैं, कुछ लोग खद्दर भी कहते हैं। खादी जो आमतौर पर बोली जाने वाली शब्दावली में स्पष्ट रूप से बोलते हैं खादी, और सूती वस्त्र हैं, रेशम के हैं जो उनके अलग अलग दाम, ऊन हैं यानी कि वुलन कैटेगरी में भी खादी से बने हुए तमाम परिधान, उससे बने हुए बैग, उससे बने हुए सजावटी सामान, जिनकी अपनी एक विशेषता है, तो वो हमेशा से दिखाई पड़ती रही है, और शायद इसीलिए इसके और विस्तार की कोशिशें की जा रही हैं। खाद्य संघ द्वारा उत्पादन की बात करें तो 5 करोड़ का सूती ऊनी एम्पोलियो से